वेलकम टू डायरेक्शन स्टडी पॉइंट। दोस्तों आज हम आपको सेना एवं पुलिस संगठनों तथा भारत में जितनी भी जांच एजेंसियां हैं उनके प्रमुख के बारे में जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आने वाले सभी परीक्षाओं में इसमें से एक प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको इस चैनल पर जनरल स्टडीज़ से यानी कि जीएस से क्वेश्चन मिलते हैं और करंट अफेयर से क्वेश्चन मिलते हैं। दोस्तों वीडियो लास्ट तक देखिएगा, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला हमारा प्रश्न है, भारत के थल सेना के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? जी हाँ, हमारे आर्मी चीफ वर्तमान में कौन है? दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोस्तों हमारे इसमें वर्तमान में आर्मी चीफ हैं जनरल विपिन रावत। इनका दोस्तों नाम आपको याद रखना है। जनरल विपिन रावत को दोस्तों चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का भी इन्हें प्रमुख बनाया गया है, यानी कि जो डिफेंस स्टाफ कमेटी इंडिया में बनाए जाने की घोषणा की गई है उसका भी हेड इन्हें बनाया गया है अभी। आइए आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। दोस्तों हमारा दूसरा प्रश्न है, भारत के वर्तमान नौसेना अध्यक्ष, जी हाँ हमारे एडमिरल कौन है यानी कि जल सेना अध्यक्ष? तो हमारे वर्तमान जो नौसेना अध्यक्ष हैं वो हैं एडमिरल करमवीर सिंह। दोस्तों आपको इनका नाम याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे नौसेना अध्यक्ष यानी कि नेवी चीफ हैं एडमिरल करमवीर सिंह। तीसरा हमारा प्रश्न है, वायुसेना के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों हमारे वर्तमान वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया हैं, जिनकी नियुक्ति भी हाल ही में हुई है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। दोस्तों आपको तीनों सेनाओं के जो प्रमुख हैं उनके जो पोस्ट का नाम है वो भी याद होना चाहिए। जैसे कि आर्मी के चीफ का पोस्ट होता है जनरल, नेवी के चीफ का पोस्ट होता है एडमिरल, और वायुसेना का जो चीफ का पोस्ट होता है उसे एयर चीफ मार्शल कहते हैं। दोस्तों आपको इतना भी याद रखना है, और आप जब भी इनका नाम लेते हैं तो इनके पोस्ट को साथ में जोड़िए, जैसे कि एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया। अगर बात की जाए कि तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है, तो तीनों सेनाओं का सर्वोच्च जो होता है वो होता है भारत के राष्ट्रपति। तो यानी कि भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद वर्तमान में तीनों सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति हैं। आगे बढ़ते हैं अपने चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि जो हमारा रॉ है उसके वर्तमान निदेशक यानी कि डायरेक्टर कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सामंत गोयल। दोस्तों सामंत गोयल जी वर्तमान में रॉ यानी कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के निदेशक हैं। अगला प्रश्न है, इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक कौन है यानी कि IB के निदेशक कौन है? तो वर्तमान में अरविंद कुमार जी इंटेलिजेंस ब्यूरो के वर्तमान निदेशक हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों ये है। हमारा अगला प्रश्न है, सशस्त्र सीमा बल यानी कि SSB के वर्तमान महानिदेशक यानी कि वर्तमान डायरेक्टर जनरल कौन है? दोस्तों हमारे वर्तमान में सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक कुमार राजेश चंद्रा जी हैं, तो इनका नाम आपको याद रखना है, कुमार राजेश चंद्रा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा सातवां प्रश्न है, केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के वर्तमान निदेशक कौन हैं? दोस्तों वर्तमान में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि CBI के वर्तमान निदेशक हैं ऋषि कुमार शुक्ला जी। दोस्तों आपको ऋषि कुमार शुक्ला जी का नाम याद रखना है, CBI के ये निदेशक हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारा अगला है आठवां प्रश्न, सीमा सुरक्षा बल यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF के वर्तमान महानिदेशक कौन है? तो वर्तमान में BSF के महानिदेशक हैं VK जौहरी। दोस्तों आपको इनका नाम याद रखना है, VK जौहरी वर्तमान में सीमा सुरक्षा बल यानी कि BSF के महानिदेशक हैं। आगे बढ़ते हैं अपने नौवें प्रश्न की तरफ। हमारा नौवां प्रश्न है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल जिसे इंग्लिश में कहते हैं सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। जी हाँ, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के जो वर्तमान प्रमुख दोस्तों हैं वो हैं राजेश रंजन जी। राजेश रंजन जी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के वर्तमान प्रमुख हैं। आगे बढ़ते हैं अपने दसवें प्रश्न की तरफ। दोस्तों हमारा दसवां प्रश्न है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिजर्व सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के जो वर्तमान महानिदेशक हैं वो हैं राजीव राय भटनागर। दोस्तों आपको इनका नाम याद रखना है, राजीव राय भटनागर जी वर्तमान में सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के महानिदेशक हैं। आगे बढ़ते हैं अपने 11वें प्रश्न की तरफ। हमारा 11वां प्रश्न है, भारतीय तटरक्षक बल के वर्तमान महानिदेशक कौन हैं? तो के नटराजन जी भारतीय तटरक्षक बल के वर्तमान महानिदेशक हैं। दोस्तों आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत तिब्बत सीमा पुलिस, दोस्तों जिसे इंग्लिश में कहते हैं इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, इसके जो वर्तमान महानिदेशक हैं वो हैं SS देसवाल। दोस्तों SS देसवाल जी वर्तमान में ITBP के महानिदेशक हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपने 13वें प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करिएगा, और दोस्तों एक लाइक हमारे लिए ज़रूर करिएगा। हमारा 13वां प्रश्न है, राष्ट्रीय राइफल्स के वर्तमान महानिदेशक कौन है? दोस्तों
राष्ट्रीय राइफल के वर्तमान महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल वी एस सहरावत जी हैं। दोस्तों वी एस सहरावत जी असम राष्ट्रीय राइफल्स के वर्तमान महानिदेशक हैं। अगला प्रश्न हमारा है, रेलवे सुरक्षा बल यानी कि रेलवे पुलिस फोर्स के वर्तमान महानिदेशक कौन है? तो दोस्तों वर्तमान में अरुण कुमार जी RPF यानी कि रेलवे पुलिस फोर्स के महानिदेशक हैं। आगे बढ़ते हैं अपने 15वें प्रश्न की तरफ। दोस्तों हमारा 15वां प्रश्न है, राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी कि नेशनल कैडेट कोर के महानिदेशक कौन है? तो वर्तमान में लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चोपड़ा जी राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी कि NCC के महानिदेशक हैं। इनका नाम आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के वर्तमान महानिदेशक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा YC मोदी। दोस्तों YC मोदी जी वर्तमान में NIA के महानिदेशक हैं। आगे बढ़ते हैं अपने 17वें प्रश्न की तरफ। दोस्तों हमारा 17वां प्रश्न है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि NSG के वर्तमान महानिदेशक कौन है? दोस्तों राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड जी जो NSG होते हैं इनके वर्तमान महानिदेशक हैं अनूप कुमार सिंह जी। दोस्तों जो राष्ट्रपति की सुरक्षा होती है, जो राष्ट्रपति की सुरक्षा का कार्यभार होता है वो NSG के ऊपर ही होता है। दोस्तों NSG इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है और NSG के वर्तमान जो महानिदेशक हैं वो हैं अनूप कुमार सिंह जी। दोस्तों हमारा आज का अंतिम प्रश्न है, राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल जिसे इंग्लिश में कहते हैं नेशनल डिफेंस एंड रेस्क्यू फोर्स, दोस्तों आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए, नेशनल डिफेंस एंड रेस्क्यू फोर्स के वर्तमान महानिदेशक हैं SN प्रधान। दोस्तों SN प्रधान जी जो होते हैं नेशनल डिफेंस एंड रेस्क्यू फोर्स के वर्तमान महानिदेशक हैं। तो दोस्तों ये पुलिस सेना और भारत में जितनी भी जांच एजेंसियां हैं उनके प्रमुख और अध्यक्ष के बारे में वीडियो था। दोस्तों वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों वीडियो आपको अगर पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आपके जितने भी स्टडी रिलेटेड फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप है सब में ये वीडियो शेयर कर दीजिए दोस्तों, जिससे आगे आने वाले सारे वीडियो आपको मिलते रहें। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत